हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और हम अपना एनवायरनमेंट मॉड्यूल 2020 का स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने कुछ चीज़ें कवर कर ली हैं, बाकी चीज़ें हम अभी कवर करने की कोशिश करते हैं। तो आगे हम बात करते हैं इंटरनेशनल एफर्ट्स की। एशियन एलिफेंट स्पेशलिस्ट ग्रुप की बात करते हैं। ये इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर्स IUCN का 10th नेशनल एलिफेंट स्पेशलिस्ट ग्रुप है कि इसकी मीटिंग जो है वो जल्दी ही कोटा किनाबालू सुबाहा जो कि मलेशिया में वहाँ पे हुई थी। अगर हम इसकी बात करें, इस ग्रुप की बात करें, तो ये जो ग्रुप एक इंटीग्रल पार्ट है स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन का जो कि IUCN की है। और गजह जो है एक बाई एनुअल जर्नल है IUCN या फिर SSC एशियन एलिफेंट स्पेशलिस्ट ग्रुप का। अब अडेप्टेशन फंड की बात करते हैं, तो ये इस्टेब्लिश किया गया है अंडर क्योटो प्रोटोकॉल ऑफ द UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसके फाइनेंशियल, ये एक फाइनेंस प्रोजेक्ट है और प्रोग्राम है जो कि हेल्प करता है उन वल्नरेबल कम्युनिटीज़ की जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में है, जो कोशिश कर रही हैं क्लाइमेट चेंज को अडॉप्ट करने की। जो इनिशिएटिव है ये बेस्ड किया गया है कंट्री की नीड पे, उसके व्यूज़ पे, उसकी प्रायोरिटीज़ की बेसिस पे। अब हम फाइनेंसिंग की बात करते हैं। जो फाइनेंसिंग है ये पार्ट है गवर्नमेंट और उसके प्राइवेट डोनर्स का, ठीक है जी। और ये 2% होगा, जी 2% शेयर होगा प्रोसीड्स ऑफ सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन का, जो कि किसके अंडर होगा, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म प्रोजेक्ट के अंदर होगा। वर्ल्ड बैंक जो है वो एक ट्रस्टी की तरह सर्व करेगी अडेप्टेशन फंड ऑन एन इंटरिम बेसिस पे। यूरोपियन ग्रीन डील के बारे में बात करते हैं। मैड्रिड क्लाइमेट टॉक के एक साइडलाइन पे यूरोपियन यूनियन जो है वो आया है किसके साथ, इसके साथ इन्होंने अनाउंसमेंट की है एक एडिशनल मेज़र जिससे कि हम क्लाइमेट चेंज को मेज़र कर सकेंगे, और इसी को नाम दिया है इन्होंने यूरोपियन ग्रीन डील। जो एक US है, इसी एक लॉ लेके आया है जो कि बाइंडिंग होगा सारे मेंबर कंट्रीज़ पे, जिससे क्या होगा, इंश्योर हो जाएगा क्लाइमेट न्यूट्रल बाय 2050। नेक्स्ट बात करते हैं, EU जो है वो पहला मेजर एमिटर बन गया है जो अग्री करता है कि 2050 तक वो क्लाइमेट न्यूट्रलिटी टारगेट को पूरा कर लेगा। और इसके साथ ही साथ जो EU है, मतलब जो यूरोपियन यूनियन है, वो एक इकलौता ऐसा मेजर एमिटर है जो कि 1990 का बेसलाइन लेकर चल रहा है। बेसलाइन लेकर मतलब इसने अपना एमिशन कट किया है, जो कि क्योटो प्रोटोकॉल में ओरिजिनली मैंडेट भी किया गया था जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके लिए। और जो बाकी जो मोस्ट ऑफ कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपनी बेसलाइन जो है वो शिफ्ट कर दी थी 2005 या फिर 2015 तक भी, जो कि पेरिस एग्रीमेंट के तहत हुई थी। अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल ट्रीटी ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के बारे में। इसका 8th एडिशन जो है अभी उसकी मीटिंग हुई थी कहाँ पे, रोम इटली में। ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, अडॉप्ट की गई है 53 सेशंस ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनियन नेशन, जो कि नवंबर 2001 में। इसको हम सी ट्रीटी के नाम से भी जानते हैं। और बहुत सी छोटी चीज़ें कि इनका एम क्या है, मेन प्रोविजंस क्या है, इनको आप जब पढ़ोगे ना आपको खुद ही लग जाएगा नहीं ये कुछ खास था नहीं, इसलिए मैंने भी इसको जो आगे बताया नहीं है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबल एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज़ के बारे में। तो ये एक प्रिंसिपल है किसके अंदर, UNFCCC मतलब यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये जो कन्वेंशन है डिवाइड किया गया इनटू NX1 एंड नॉन NX1 के अंदर। NX1 में वो कंट्रीज़ आते हैं जिनका जो है मिटिगेशन रोल जो है ज़्यादा है नॉन NX1 कंट्रीज से। अब बात करते हैं CBDRRC, जो ये NX क्लासिफिकेशन है जो कि कोडिफाई किया गया है 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल में। और NX1 कंट्रीज़ जो हैं वो एमिशन रिडक्शन करती हैं लीगली, उनका जो रिडक्शन होता है वो लीगली बाउंडेड होता है। US एग्जिस्टिंग इन पेरिस एग्रीमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो US ने हाल ही में अपना ऐसा कुछ वर्डिक दिया है ना कि हम हटा रहे हैं खुद को। और ये है कि इसलिए कॉमन टारगेट है ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करने का, जिससे हम क्लाइमेट चेंज से मतलब लड़ सकें। अब होता क्या है अगर US हट जाता है तो पेरिस अग्रीमेंट से, हालांकि वो बाद में ज्वाइन कर सकता है, ऐसा कोई इसमें इशू नहीं है कि वो रीज्वाइन नहीं कर सकता है।
इसके अलावा मुझे इसमें कुछ लगा नहीं आपको बताने लायक, मतलब स्पेशली ये आपका प्रिलिम्स के पर्सपेक्टिव से मुझे कुछ लगा नहीं, तो इसलिए मैंने बताया भी नहीं है। नेक्स्ट है ग्रीन क्लाइमेट फंडिंग। ग्रीन क्लाइमेट फंडिंग के बारे में बात करें तो ये बूस्ट करता है क्लाइमेट रेजिलिएंट को 3 कोस्टल स्टेट, कहाँ कहाँ के, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा। और जो और पर्टिकुलरली वो जो यूएनडीपी के यूएनडीपी में आते हैं, जैसे कि यूनाइटेड डेवलपमेंट यूनियन नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और जो ये आपका ग्रीन क्लाइमेट फंड मतलब GCFA सेटअप किया गया था 2010 में अंडर UNFCCC के फाइनेंशियल मैकेनिज्म टू चैनल फंडिंग फ्रॉम डेवलप कंट्रीज़ टू डेवलपिंग कंट्रीज़, मतलब डेवलपिंग कंट्रीज़ को डेवलप्ड कंट्रीज़ फंडिंग देंगे जिससे कि वो अपनी क्लाइमेट चेंज से लड़ने में सक्षम हो सकें। नेक्स्ट है EU डिक्लेयर्स क्लाइमेट एमरजेंसी। ऐसा पहली बार हुआ है कि क्लाइमेट एमरजेंसी को डिक्लेयर किया गया है। और यूरोपियन यूनियन के अलावा कनाडा, अर्जेंटीना, बांग्लादेश को भी क्लाइमेट एमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया है। क्लाइमेट एमरजेंसी होते क्या है, कोई सिंगल डेफिनेशन नहीं है कि होता क्या है, लेकिन अगर हम माने तो ये होता क्या है, जहाँ पे कार्बन न्यूट्रल जो लोकल एरिया है वो कार्बन न्यूट्रल 2030 तक होना चाहता है, तो उसको हम बोल सकते हैं ये कार्बन एमरजेंसी है। और इसके साथ ही होगा क्या, अब कुछ कार्बन रिडक्शन होगा वो कम करना पड़ेगा। और इसकी एग्जांपल बात करो, यूके गवर्नमेंट ने इससे पहले 1990 में एक लगाया था जिसके थ्रू करना क्या था, इनको अपना कार्बन रिडक्शन जो है वो 80% तक का कम करना था। मल्टी डिसिप्लिनरी ड्रिफ्टिंग ऑब्जर्वेटरी फॉर द स्टडी ऑफ आर्कटिक क्लाइमेट, मतलब मोजाइक एक्सपीडिशन की बात करता है। तो ये क्या, ये स्पिट हेडेड बाय अल्फर्ड विनेगर इंस्टीट्यूट ऑफ जर्मनी। ये जो लार्जेस्ट एवर, ये अब तक का सबसे बड़ा आर्कटिक एक्सपीडिशन होगा। और ये पहली बार होगा कि नॉर्थ पोल पे इतने बड़े स्केल पे ऐसा कोई स्टडी कंडक्ट की जाएगी पूरे साल तक। और इसका एम क्या होगा, इसका एम ये होगा कि हम पूरा जितना भी एटमॉस्फेरिक चीज़ें हो रही है आर्कटिक रीजन में उसको हम जान सकें, कैसे क्लाइमेट चेंज का वहाँ पे फ़र्क पड़ रहा है उसको हम जान सकें। इसमें करीब 16 इंस्टीट्यूशन जो है 19 कंट्रीज से पार्ट लेंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं ईस्ट अंटार्कटिक मरीन प्रोडक्ट एरिया के बारे में, प्रोटेक्टेड एरिया के बारे में। ये प्रपोज किया गया ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोपियन यूनियन के द्वारा। और ये कमीशन फॉर कन्वेंशन ऑफ आर्कटिक मरीन लिविंग रिसोर्स, ऑलरेडी इसके दो एग्जिस्टिंग मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं। पहला जो है वो साउथ ऑर्नकी के है, ऑर्नकी आइलैंड पे है, सदर्न सेल्फ पे, और दूसरा जो है वो रॉस सी रीजन में है। नेक्स्ट है बेसल बैन अमेंडमेंट के बारे में। 1995 में बेसल बैन अमेंडमेंट आया था जो कि ग्लोबल वेस्ट डंपिंग प्रोहिबिट, जो कि एक ग्लोबल डंपिंग प्रोहिबिशन है। ये एक इंटरनेशनल लॉ जो है क्रोशिया उसके बाद ही इमर्ज होकर सामने आया था और रेटिफाई किया गया था 2019 में। अब बेसल कन्वेंशन है क्या, ये कहता है कि जो भी हजार्डस वाटर डिस्पोजल है उसकी मूवमेंट को हमें ट्रांसबाउंड्री कंट्रोल करना है। और इसके साथ साथ ये जो पूरा आपका चला आ रहा है कन्वेंशन अमेंडमेंट जो है, ये कहीं भी आपका रेडियो एक्टिव वेस्ट को उसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करता है ये। नेक्स्ट है ग्लोबल कोलिशन टू प्रोटेक्ट पॉलिनेटर। ये एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ है कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो कि मैक्सिको में हुई थी उसके अंतर्गत। ऐसा को पता है पॉलिनेशन क्या होता है, तो पॉलिनेशन कैसे प्रोटेक्ट किया जाए उसके बारे में बात की। सबको पता है कि पॉलिनेशन होता किससे है, आपका यूजुअली एनिमल्स और बर्ड्स के थ्रू होता है। और आपको पता है अभी हम जैसे कि एनिमल का जितना भी जंगल वगैरह कितने तेज़ी से घट रहे हैं तो कैसे कैसे क्या होगा, बस यही सब बातें कहीं इसमें, आप इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस। इसमें 122 कंट्रीज़ जो है मिलकर इनको इनिशिएट किया गया था, जो कि इनिशिएट किसके द्वारा किया गया था, इंडिया के द्वारा। इसमें 122 से भी ज़्यादा कंट्री जो है मेंबर हैं, जो कि पार्शली या फिर कम्प्लीटली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में एग्जिस्ट करती हैं, वो इसका पार्ट हैं। लेकिन जो इसके मेंबर हैं वो यूएन के जो मेंबर हैं वो भी इसमें पार्ट हैं। पेरिस डिक्लेरेशन है उसने ICA को इस्टेब्लिश किया था। ट्रीटी बेस्ड इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर गुड़गांव में इंडिया में है। आई थिंक आज के लिए इतना, लास्ट ही बचा है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के बारे में बात कर लेते हैं। एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो 1961 में फाउंड की गई थी। इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। इसका एम क्या है, इसका एम क्या है, जो जितनी भी आपकी सबको नाम से पता चल रहा है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, तो
जितने भी आपकी वाइल्ड स्पीशीज़ हैं उनको बचाना और ह्यूमन के इंटरेक्शन जो भी इम्पैक्ट पड़ रहा है एनवायरनमेंट पे उसको काउंटर करना। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं? वर्ल्ड का बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करना और इंश्योर करना कि जो भी रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है उनको यूज़ करना, सस्टेन मैनर में यूज़ करना, और साथ ही साथ प्रमोट करना किसका, रिडक्शन ऑफ पॉल्यूशन एंड वेस्ट कंजप्शन को। रिपोर्ट्स कौन कौन सी हैं? लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट जो कि WWF के मतलब वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा, वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। डेप्थ फॉर नेचर स्वैप्स, मरीन स्टीवर्डशिप काउंसिल और ये हेल्थी ग्राउंड पोटेटो, ये रिपोर्ट्स हैं। तो आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू सो मच। मेरी गलतियाँ प्लीज़ मुझे बताते रहिएगा जिससे मैं इम्प्रूव कर सकूँ खुद को। थैंक यू सो मच।